मैच फिक्सिंग क्रिकेट मैच के स्टार्ट होने से पहले की जाती है, जबकि स्पॉट फिक्सिंग मैच के दौरान की जाती है। स्पॉट फिक्सिंग मैच की ऑन गोइंग सिचुएशन को देख के की जाती है। एक प्लेयर जो कि फिक्सिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है, उसका बुकी के साथ डायरेक्ट रब्ता होता है और मैच की सिचुएशन को देख के बुकी उस प्लेयर को इंस्ट्रक्शन देता है कि कब उसे डिफेंसिव खेलना है, अग्रेसिव खेलना है या किस मौका पे उसे आउट हो जाना है। जबकि इसके बरअक्स मैच फिक्सिंग के अंदर एक प्लेयर को मैच के स्टार्ट होने से पहले ही इंस्ट्रक्शन दे दी जाती हैं कि उसे मैदान में जाके किस तरह का खेल पेश करना है। एक प्लेयर को बुकी ने कितना ज़्यादा पैसा दिया है वो इस चीज़ का फैसला करती है कि मैदान में जाके वो प्लेयर कितनी बुरी परफॉर्मेंस पेश करेगा, ताकि बुकी ने जिस प्लेयर के ऊपर बैट लगाई है कहीं वो शर्त हार ना जाए। लेट 90s के अंदर हंसी क्रोनी, अजहरुद्दीन और जडेजा जिस मैच फिक्सिंग के अंदर इन्वॉल्व थे उसे हम मैच फिक्सिंग कहते हैं। सट्टेबाजों ने मैच के रिजल्ट के ऊपर शर्त लगाई थी कि कौन सी टीम मैच हारेगी या जीतेगी, तो सट्टेबाजों ने शर्त जीतने के लिए मुख्तलिफ प्लेयर्स को अप्रोच किया और उन्हें मैच हारने का कहा, ताकि टीम की हार से सट्टेबाजों की जीत हो सके और वो एक भारी भरकम मुआवजा हासिल कर पाएँ। आम तौर पर मैच फिक्स करना आसान काम नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर आपको पूरी की पूरी टीम को इन्वॉल्व करना पड़ता है। मान लीजिए कि अगर अजहरुद्दीन और जडेजा उस मैच फिक्सिंग के अंदर शामिल भी थे, तब भी टीम के अंदर दूसरे प्लेयर्स मौजूद थे, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, जो कि सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को मैच जितवा के बुकीज के प्लान को तबाह कर सकते थे। स्पॉट फिक्सिंग मैच फिक्सिंग के मुकाबले में ज़रा आसान होती है। एक ख़ास बॉल या एक स्पेसिफिक ओवर के अख्ताम पे अमूमन बैटिंग प्लेस की जाती है। एक ओवर के अंदर कितने रन्स बनेंगे, एक गेंद के ऊपर कितने रन्स बनेंगे या बॉलर कब नो बॉल फेंकेगा, ये सारी चीज़ें स्पॉट फिक्सिंग के अंदर आ जाती हैं। मोहम्मद आमिर जिस स्कैंडल के अंदर इन्वॉल्व थे वो बेसिकली स्पॉट फिक्सिंग का था, क्योंकि मोहम्मद आमिर ने एक स्पेसिफिक गेंद के ऊपर नो बॉल करवाई थी। मोहम्मद आमिर को मुबैना तौर पे एक स्पेसिफिक ओवर में स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रन्स देने की बुनियाद पे मुआवजा मिलना था। स्पॉट फिक्सिंग का मैच के ओवरऑल रिजल्ट के ऊपर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए कि एक बॉलर टेस्ट मैच के अंदर 2 या 3 नो बॉल्स करवा देता है, तो उसका मैच के नतीजे के ऊपर कोई इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर वही बॉलर T20 के एक ओवर के अंदर 14 रन्स कंसीड करवा देता है, तो तब वो काफ़ी मैनीखेज साबित हो सकता है। स्पॉट फिक्सिंग को एग्जीक्यूट करवाना ज़रा आसान होता है, क्योंकि इसके लिए सिर्फ 2 या 3 प्लेयर्स को फिक्सिंग के अंदर इन्वॉल्व करने की ज़रूरत होती है। एक बुकी को स्पॉट फिक्सिंग या मैच फिक्सिंग सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। मान लीजिए कि अगर एक बुकी स्पॉट फिक्सिंग करना चाहता है, तो सबसे पहले उसे टीम के कैप्टन को इन्वॉल्व करना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली टीम का कैप्टन ही डिसाइड करता है कि कौन सा स्पेसिफिक बॉलर किस टाइम पे एक ओवर करवाएगा। तो इसलिए बुकी सबसे पहले कैप्टन को भारी भरकम अमाउंट ऑफर करके उसे अपनी गेम में शामिल करना चाहता है। इसके बाद जब कैप्टन बुकी के साथ मिल जाता है, तो दोनों मिलके ये फैसला करते हैं कि उन्होंने कौन से बॉलर को टारगेट करना है। जब एक टारगेटेड बॉलर भी कैप्टन और बुकी के साथ शामिल हो जाता है, तब बारी आती है फिक्सिंग के प्लान को एग्जीक्यूट करने की। कैप्टन और बॉलर को ख़रीदने के बाद बुकी लार्ज नंबर ऑफ बैट्स प्लेस करता है, क्योंकि अब गेम बुकी के हाथ में होती है और उसे पता होता है कि कौन सा स्पेसिफिक ओवर किस बॉलर ने करवाना है और उसने उस ओवर के अंदर कितने रन्स कंसीड करवाने हैं। इन्हीं तमाम फैक्ट्स की बुनियाद पे वो अपनी मुख्तलिफ बैट्स को प्लेस करता है और वो तमाम लोगों से करोड़ों रुपये बटोर के उनको चीटिंग के ज़रिए हरा के तमाम की तमाम शर्तें जीत जाता है। आसान अल्फाज में जब पूरे के पूरे मैच को फिक्स कर दिया जाता है, उसे हम मैच फिक्सिंग कहते हैं। इसके अंदर आप एक मैच की हार या जीत के आउटकम को फिक्स कर देते हैं, जबकि इसके बरक्स स्पॉट फिक्सिंग मैच के एक स्पेसिफिक पार्ट के अंदर होती है। सपोज दूसरे ओवर की चौथी गेंद पे एक स्पेसिफिक बॉलर नो बॉल करवाएगा, ये तमाम चीज़ें स्पॉट फिक्सिंग के ज़ुमरे में आती हैं।